यहाँ पागर टीवी न्यूज, पागर टीवी न्यूज लाइव पर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज लाइव, और पागर टीवी स्टूडियो में मैं सजीव सिंह राष्ट्रीय संवाद हूँ। पागर टीवी की जानिब से हम ले रहे हैं कॉमरेड देवेंद्र सिंह का इंटरव्यू। जी कॉमरेड देवेंद्र सिंह जी, पागर टीवी न्यूज लाइव में आपका वेलकम है, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे पागर टीवी के माध्यम से? मैं कहना चाहूँगा कि आज की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश सरकारें हो, वो कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। अरे विकास क्या भाई, खाक करोगे? विकास तो तुम्हें है नहीं, तो विकास कहाँ से होगा? आज अधिकारी कर्मचारी की नहीं सुनता, कर्मचारी अधिकारी की नहीं सुनता। देवेंद्र सिंह जी की बात को रोक करके राष्ट्रीय समाज का मैं ये कह रहा हूँ कि सर विकास जरूरी है कि विश्वास जरूरी है? विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, वेरी गुड। तो क्या करना चाहिए सर? यहाँ का ये सीएम साहब को पेंशन मिलती है, सीएम साहब को पेंशन मिलती है, और विधायक जी को पेंशन मिलती है, सांसद साहब को पेंशन मिलती है, नेता पेंशन लेते हैं, तो इस देश की जनता को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे इनका पेट से बचेगा किसी तो मिलेगी पेंशन ऐसे? तो सर ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसे चलेगा? चलेगा ऐसे चलेगा जैसे चल रहा है। इस देश के नेताओं ने जो हाल देश दुनिया का बना रखा है, ये पूंजीवाद इतना हावी हो चुका है कि यहाँ पैसे को अहमियत दी जाती है, यहाँ ना विकास को अहमियत है, ना विश्वास को अहमियत है, और ना ही काम को अहमियत है। चलिए मैं ये कहता हूँ, मैं ठाकुर आरोप सगीर हुसैन की पंडित समाता राष्ट्रीय समाता, जी हाँ, एक दिन का खर्च जो ये अपनी चुनाव प्रचार में लगाते हैं, तो ये खर्च किसका खर्च होता है? ये किसान और मजदूर हमारा है या इनका है? ये इसे अपना मानते हैं, ये जनता का नहीं मानते, क्योंकि ये जनता पर हावी है, ये जनता पर हावी है। तो ये पैसा इन्होंने कहाँ से कमाया है? ये पैसा तो जनता का ही है, फिर ये अपना अधिकार क्यों जमाते हैं इस पैसे पर? अपना अधिकार इसलिए जमाते हैं क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, जनता अभी राजनीतिक स्तर पर शिक्षित नहीं है, राजनीतिक चेतना नहीं है उसके अंदर। तो सर कैसे आएगी इनमें चेतना? राजनीतिक चेतना आएगी जो देश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो देश के सोशल वर्कर हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, उन्हें अपना काम तेज करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे? किस तरह से करेंगे? सोशल मीडिया के द्वारा भी किया जा सकता है, इसमें सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा सकता है। चलिए मैं ठाकुर द्वारा से संवाददाता सगीर हुसैन की पंडित राष्ट्रीय संवाददाता पागल न्यूज जी, पागल टीवी के स्वर्णीय से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो हर देश में हमारे हर घर में हमारे मोबाइल है, बच्चों पर और हमारी माओं पर, बहनों पर, भाभियों पर मोबाइल है, इस मोबाइल को बेकार कर रहे हैं। ये मोबाइल एक स्वदर्शन ताकत है, मोबाइल ने आपको मौका दिया है कि अपनी बात कहिए और सामने खुलिए, आजाद चैनल के माध्यम से आप भी पत्रकार बन सकते हैं, आप अपनी बात को समाज में दिखा सकते हैं, सामने ला सकते हैं। क्यों? कि आज मोबाइल एक ताकत बना हुआ है, और आज का युवा, आज की धरोहर सिर्फ हिमेश रिमेशिया के गाने सुनता था, आज सपना चौधरी भलाई करता है, कल कोई और आएगा उसमें लग जाएगा, तो समाज कैसे बदलेगा, विकास कैसे होगा? तो जहाँ तक बात सोशल मीडिया की है या ये मोबाइल की है या टेलीविजन की है या किसी भी बड़े पर्दे की है, तो देखो कोई चीज़ गलत नहीं है, गलत है सिर्फ, है तो सिर्फ इंसान, उसकी सोच गलत। हम ये कहते हैं कि फला अधिकारी गलत है, फला डीएम गलत है, हमें सब की कमियां नजर आ रही हैं। तो मैं सगीर हुसैन की पांडे संवाददाता राष्ट्रीय संवाददाता पागल टीवी से, मैं ये मानता हूँ कि मैं समाज का, इस देश का सबसे बड़ा पागल, और ये समाज समझदार है, लेकिन मैं पागल अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल से इसी तरह के प्रोग्राम, इसी तरह की चीज़ें दिखाता रहूँगा, क्योंकि मैं एक पागल हूँ, और पागल को समझना आपके लिए बड़ा नामुमकिन है। आपके पास डिग्रियाँ बहुत हैं, आप पढ़े लिखे समाज हैं, और मैं एक पागल हूँ, तो पागल की बात का आप जवान हूँ, इसीलिए मैं अपने चैनल से लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से
मैं दुनिया में सच दिखाऊं, सच को सामने लाऊं, और मेरा यही प्रयास है कि मैं सच दिखाता रहूंगा, सच सामने लाता रहूंगा पागल टीवी की जानिब से। पर मेरा ये कहना है कि हम लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? लोग बुरे नहीं होते हैं, ना हम ना वो, सिर्फ बुराई होती है अपने अंदर, उसे दूर करना होगा। तो सर हमें अपनी बुराइयां दूर करनी चाहिए कि अच्छाइयां दूर करनी चाहिए? हमें सिर्फ अपनी बुराइयां दूर करनी होगी। हम सामने वाले में तो कमियां निकाल देते हैं, लेकिन अपने अंदर की कमी क्यों नहीं निकल पाती? हाँ ये सच है कि हम एक उंगली दूसरे पर उठाकर कहते हैं ये ऐसा है वो वैसा है, लेकिन तीन उंगली इशारा करती है कि तू अपने आप को तो देख, तू कैसा है। जी बिल्कुल, वेरी गुड। ये हमारे भाई कह रहे हैं कि एक उंगली कहती है कि ये ऐसा है, लेकिन तीन उंगलियां कहती हैं कि भाई आप कैसे हो। तो इसलिए अपने अंदर की कमियां निकालो, अपने अंदर की कमियां खोजो और समाज में जागरूक हो जाइए, समाज को देखिए और समाज को बदलने की कोशिश कीजिए। क्यों कि मेरा ये कहना है, मैं हर बार अपने वीडियो के अंदर बोलता हूँ, कहता हूँ कि कल ना बदला तो आज बदलेगा, कल ना बदला तो आज बदलेगा, शर्त क्या ये समाज बदलेगा। और यूं ही फूल माला बने रहे अगर हम, तो कैसे ये कांटों का ताज बदलेगा। मैं ठाकुर द्वारा से सजीव रूपचंद की पांडे संवाददाता, राष्ट्रीय संवाददाता, पागल टीवी न्यूज लाइव। मुल्क लुट जाएगा एक दिन ये आसान नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा एक दिन ये आसान नजर आते हैं, अब हुकूमत में भी मक्कार नजर आते हैं, और देश की खातिर लुटा दी जाने तक हमने, देश की खातिर लुटा दी जाने तक हमने, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। चलिए पागल टीवी से मैं सजीव चंकी पांडे संवाददाता, राष्ट्रीय संवाददाता, पागल टीवी न्यूज लाइव। ठीक है कॉमरेड देवेंद्र सिंह जी, थैंक यू। थैंक यू।